हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अक्का। आज हम व्हीट फ्लावर के साथ एगलेस डोरा केक बना रहे हैं, जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। बच्चों का, बड़ों का, सभी का फेवरेट है। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम व्हीट फ्लावर, बेकिंग सोडा, शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर को छान लेंगे। इन सभी चीज़ों को छानने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम हनी डालेंगे। हनी डाल के एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और बैटर को तैयार करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ हम दूध नहीं डालेंगे। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसी हिसाब से दूध डालेंगे। इसमें लगभग एक कप दूध लग जाएगा। देखिए, हमें इस तरह से इसे मिक्स करना है। बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए, हमारा बैटर तैयार है। हमें इस तरह का बैटर चाहिए। बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बैटर को 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और पैन में थोड़ा सा घी या बटर डालेंगे और इसको टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें हम अब स्पून से छोटे छोटे से पैनकेक्स डालेंगे। देखिए, इस तरह से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इन्हें हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाएंगे और जब इनमें से हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे तब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और नॉनस्टिक पैन में ये चिपकते भी नहीं हैं। देखिए, ये एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं। हम इनकी साइड को अब चेंज कर देंगे। इसी तरह से हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। अगर आपको महसूस हो कि ये पैनकेक्स चिपक रहे हैं तो आप इसके अंदर एक या दो ड्रॉप घी या बटर की भी डाल सकते हैं। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी के पैनकेक्स भी बना लेते हैं। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। आपको भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर स्पून में लेकर पैन पे स्प्रेड करना है। हम डोरा केक बना रहे हैं। डोरा केक बहुत मोटे भी अच्छे नहीं लगते और बिल्कुल पतले भी। हम इसको पलट लेते हैं और बाकी के सारे भी हम इसी तरह से पैनकेक्स बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये भी बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे पैनकेक्स भी बन के तैयार हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। सभी पैनकेक बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर न्यूट्रेला लगाएंगे। न्यूट्रेला को हमें पूरे पैनकेक के ऊपर स्प्रेड करना है। इसको हमें इस पे चारों तरफ से लगाना है। देखिए, इस तरह से। अगर आपके पास न्यूट्रेला नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई सी चॉकलेट भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। अब इसे हम दूसरे पैनकेक से कवर कर लेंगे। देखिए, हमारा डोरा केक बनके तैयार है। इसी तरह हम अपने बाकी के सारे डोरा केक भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम कवर कर देंगे और ये सारे डोरा केक बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। कितना सॉफ्ट है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसे काट कर सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।